अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू VUBSCS। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश जैसे हुए। इसका लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो में आप लोगों को टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर सबसे पहले आपका है आउटलाइन। आउटलाइन क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। फिर आपका है बुक्स एंड वेबसाइट। फिर है मॉड्यूल्स है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। फिर आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक है? इसमें कह रहे हैं कि आपके पास दो कैटेगरीज आती है, एक होता है रिटन कम्युनिकेशन और एक होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास क्या होता है, आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, विल कवर प्लानिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइलिश इश्यूज, ठीक है? इसमें वो ये कह रहा है कि सीखा किस तरीके से वो मेमो लिख सकता है, लेटर्स लिख सकता है, प्रपोजल शॉर्ट्स एंड लॉन्ग रिपोर्ट्स एंड फ्यूचर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लिख सकता है। मेमो लेटर्स, शॉर्ट लेटर्स, लॉन्ग लेटर, रिपोर्ट्स, प्लानिंग स्ट्रक्चर सारा आता है रिटन कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है? क्या कोई खत हम लिख के भेजते हैं वो आता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है? ये सारा आपका होता है रिटन कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, नाम से लग रहा है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम मुझसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, आवाज़ के जरिए, लेकिन किस तौर पर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के तौर पर, ठीक है? प्रेजेंटेशन, ग्रुप बिहेवियर प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग, ठीक है? यानी एक मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन होती है, एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाई देती है, तो वो क्या होती है आपका ओरल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? अब उसके बुक्स एंड वेबसाइट दी गई है, वहाँ जाकर देख लीजिए। मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल में ये है आपका बेसिक इफेक्टिव टेक्निकल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। मॉड्यूल में आपके पास ये है रिटन कम्युनिकेशन, रिपोर्ट्स है, वॉल थ्री में विश्वास है, राइटिंग है, फोर्थ में है और कम्युनिकेशन, ठीक है? आप इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कमीशन क्या, ठीक है? लैंडिंग बेसिस एंड टेक्निकल कमीशन हेल्प्स अप डिफरेंट रूल एट वर्क प्लेस, ठीक है? तो क्या है कि लैंडिंग बेसिस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपके कौन से रोल्स में डिफरेंस रोल में, लाइक वर्क प्लेस अगर आप काम करने जाते हैं, फॉर इंस्टेंस यू विल नीड टू आइडेंटिफाई योर टू रोल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दो रोल है, ऐसे स्पेशलिस्ट, अगर आप स्पेशलिस्ट है तो यू विल नीड टू जनरेट आइडियाज, आपको आइडियाज देने होंगे नए, ठीक है? विल बी फाइनेंशियल यूज आपके वो एक बॉस के लिए किसी उसके लिए हेल्पफुल, ठीक है? सेकंडली यू विल नीड टू शेयर द रिजल्ट ऑफ योर आइडियाज, आपको प्रूफ भी देना होगा, आपने जो सोचा है उसको किसी का प्रूफ दे सकते हैं, वैसे कोर वर्क है, वर्कर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर, कस्टमर के तौर पर, ठीक है? तो आपको ये बताया गया, ठीक है? आगे एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल के बाद आपको आगे दिया हुआ, ठीक है? देख लेते हैं एग्जाम्पल के आगे आपको दिया हुआ, राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। अब वो कह रहे हैं कि स्कूल में लिखना पढ़ना अलग होता है, एक ऑफिस में जाकर लिखना पढ़ना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? वो कह रहे हैं कि टू राइट सक्सेसफुली एट वर्क, यानी आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल लिखना है तो वी नीड टू डेवलप न्यू राइटिंग स्किल्स। तो आपको अपने राइटिंग स्किल्स में नई चीज़ें पता करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? वे न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट राइटिंग, आपको 100 तरीके से सोचने पड़ेंगे राइटिंग स्किल्स, दैट बिकॉज राइटिंग एट वर्क प्लेस डिफर इन सम वेरी फंडामेंटल प्लेस फॉर राइटिंग डन एट स्कूल, ठीक है? वो कह रहे हैं हम स्कूल में होते हैं तो हमारे डिफरेंट लेवल का राइटिंग स्किल्स होती है हमारी, जब हम काम करने जाते हैं तो हम लोग को स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा, एक डिफरेंस कैटेगरी होती है वहाँ पर, डिफरेंस सिनेरियो होते हैं वहाँ काम करने का, ठीक है? अब पर्पस ऑफ राइटिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है? एज स्टूडेंट वी कम्युनिकेट फॉर एजुकेशन पर्पस, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे राइटिंग, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टर्म पेपर्स और टेकिंग अ रिटन मैप ऐसा सब, ठीक है? वो कह रहा है अगर आप एम्प्लॉय होते तो एम्प्लॉय के लिए जाते तो आपके लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है आपको, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन ये डिज़ाइन करिए कि आप किस तरीके से एम्प्लॉय को कब तक कन्वेंस करते हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से आप हैंडल करें, ठीक है? अब स्कूल में होते हैं आपको पता होता है मुझे एक सब्जेक्ट मुझे इस पर इतना लिखना खत्म हुआ, ठीक है? एट वर्क में क्या होता है, कम्युनिकेट शुड ऑल वर्ल्ड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन योर रीडर नीड्स, ठीक है? अब आपको देखना पड़ता है कि ठीक है रीडर चाहता क्या है, आपका जो एम्प्लॉय है या आपकी क्लाइंट है वो चाहता क्या है, उसके मुताबिक आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विल ओनली क्लॉग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो बंदा क्या होता है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो जाया जाती है, ठीक है? बैलेंस में रहेगा तो कामयाब लग गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या आता है, डिक्रीज एफिशिएंसी करता है, डिक्रीज एफिशिएंसी करता है यानी इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन करता है, आप ज़्यादा लंबा लेटर देगा तो लिख के छोड़ देगा, पड़ेगा ही नहीं। डिक्रीज एफिशिएंसी क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा, अभी एफिशिएंसी होगी आपके अगर आपने अच्छा भी लिखा होगा, आपने इंग्लिश को अच्छे से समझ लेकिन क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा, इसका लंबा लेकर छोड़ देगा, ठीक है? तो क्या हो गया, ऑडियंस एट ए स्कूल ओनली विथ 1%, आपका स्कूल में सिर्फ 1% होता है, यानी आपका अगर सोर्स होगा स्कूल में निकलती है स्टूडेंट आपका उनको होगा इंटरेक्शन, क्योंकि आप जॉब करने जाते हैं तो वो आपका 100 लोगों से इंटरफेस होता है, ठीक है? और उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है? ठीक है, फिर आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आगे दिया हुआ था कैन पर्सन कॉन्ट्रैक्ट दे ब्रिंग चीज़ें पब्लिकेशन, फिर आप कुछ चीज़ें होती हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए तस्वीर की फॉर्म में यानी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में शो कर रहे हैं, क्लासरूम में स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा शो किया आपको जानी होती है, ठीक है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है? वो ये कह रहे हैं पीपल एट वर्क राइट डिफरेंट कम्युनिकेशन दोस्त ऑफ रिटर्न स्कूल, ठीक है? स्कूल में लिखते हैं वो अलग होती है, जब बाहर जाता है तो अलग होती है, ठीक है? वो कह रहे हैं सच एस मेमोस हो गया, बिजनेस लेटर्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गए, प्रोजेक्ट प्रपोजल हो गया, प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गए, सारे जॉब में काम आते हैं, ठीक है? ठीक है, आपकी जॉब हर किसी की जॉब में होती है, हर किसी की चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन हर जॉब में हर कैटेगरी की रिपोर्ट बनाने को कहा जा सकता है, ठीक है? तो यू विल नीड टू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? अभी बताया गया इसमें ऑनरशिप ऑफ अ राइटर वर्क, ठीक है? कह रहे हैं ऑनरशिप ऑफ अ राइटर वर्क इस बारे में बोल रहा है, ऑनरशिप ऑफ राइटर वर्क इस बारे में बोल रहा है, बहुत जरूरी होता है अगर ऑनरशिप को राइटर लिख रहा है, ठीक है?
प्राइवेट लेटिंग स्कूल कम्युनिकेशन ओनली बिलोंग टू, जब हम स्कूल में होते हैं एक ही बंदा होता है, हम होते हैं, हमारे पास होता है, हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, बट ऑल ओनली पार्टिसिपेट भी, ठीक है, ये भी बिलोंग टू योर एम्प्लॉय। अपन यहाँ आते हैं तो आप आपका एम्प्लॉय बिलोंग कर रहा होता है, आपसे देखिए आपका एम्प्लॉय आप क्लाइंट है, आपसे बात करें तो आपका क्लाइंट एम्प्लॉय डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी लिख रहे होते हैं उसको अफेक्ट करता है या नहीं करता, ठीक है, ये सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आप जो है अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप ऐसे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आप एक लेटर लिख रहे हैं वो इस काबिल नहीं है तो फिर आपका एप्लीकेशन खराब होती है, कंपनी की वजह से खराब होती है, ठीक है। एग्जाम्पल दी भी आगे आप देख लें, आप देख रहे हैं वो कह रहे फिर लेटर लेटर और रिपोर्ट लेकर ज़्यादा कस्टमर को आप लेटर लिख रहे हैं रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कस्टमर व्यू इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कस्टमर का व्यू एक ऑफिशियल आपके लिए क्यों प्रपोजल गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑल है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेगा या डिनाई कर देगा, कोई एक ऑप्शन होगा तो डिनाई कर देगा या एक्सेप्ट कर देखिए, तो बहुत ही जरूरी होता है। सो अब आगे वो कह रहे हैं सक्सेस ऑन द जॉब यू विल नीड टू लर्न टू राइट, तो आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा, आपको अंदाजा करना पड़ेगा कंडीशन क्या है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है, आपको रीडर्स पढ़ने वाला क्या है, थिंक अबाउट व्हाट द फॉर्म फ्रॉम यू, आपसे क्या कह रहा है तो आपको सारी चीज़ बोल सोचनी पड़ती, ठीक है, थिंक अबाउट वेस्ट टू वॉर्म अफेक्ट किस तरीके से आप इसको अफेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें दी आपको एग्जाम्पल दी जाते आगे कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज पीपल इंटरेक्ट विद मैसेज टू क्रिएट मीनिंग, ठीक है, फिर इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द मैसेज कह रहे हैं रिसीव मैसेज रिसीव करने के बाद पीपल इंटरेक्ट विद मैसेज टू क्रिएट मीनिंग, ठीक है, जब पीपल इंटरेक्ट करते हैं मैसेज पर तो उसके मीनिंग निकलने वाइल रीडिंग, ठीक है, वो उसके मीनिंग मैसेज पढ़ता है उसके मीनिंग निकलता है, ठीक है, वाइल रीडिंग में क्या होता है, रीडिंग वी बिल्ड लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जब एक बंदा लेटर लिखा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा मवाद होता है, ठीक है, वाइल राइटिंग वी बिल्ड लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज फॉर स्मॉल फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल सेंटेंस को हम जोड़ के एक बड़ा लेटर बना देता है, ठीक है, तो ये बताया गया इसके अंदर, तो ये सिर्फ सेंटेंस या वर्ड्स नहीं होते, पैराग्राफ में जैसे कि आपको एक अच्छे लेटर लिखे होते हैं आपको अफेक्ट करते हैं कि लेटर वर्ड्स नहीं है आपने लिखे हैं तो वो कैल कर सकते हैं भाई हाँ ये सर्विस है पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, ठीक है, अगर आप पहले अच्छे से कर लेंगे आपने लेटर लिखा, ठीक है, अगर क्लाइंट्स पढ़ लिया रिस्पॉन्स किया कम्युनिकेशन आ शेप बाय टोटल सिचुएशन समझ दिया है मैसेज, ठीक है, अगर आपने एक मैसेज लिखा लेटर लिखा है अगर आपने अच्छा नहीं लिखा होगा तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा, और अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो आपकी डील हो जाएगी यहाँ पर, तो आप उसमें कंपनी का भी फायदा आपका भी फायदा, तो उसमें इसी बताएगा, ठीक है, सही है, वही कह रहा है कि आपका मेन क्या है कि आप लिख रहे हैं वो क्या लिखना चाह रहे हैं, पुस्तक क्या है आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, पास रिलेशन विद द राइटर क्या राइटर रिलेशन क्या है, तो पास क्या ठीक है क्लाइंट से सपोज कर जाए यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है, ठीक है, वो कह रहे हैं ऑन जॉब पीपल रिएक्ट टू ईच पार्ट ऑफ द मेमो, ठीक है, अगर आप जॉब पे अगर आप मेमो लिख रहे हैं रिपोर्ट लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं अदर बिजनेस को, ठीक है, कम्युनिकेट एज सून एज कंप्लीट, अगर वो पढ़ लेंगे उनको अच्छा लगा तो कम्प्लीट कर लेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो आपका लिखने का तरीका वगैरह सही नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज़ पर आपने कभी ध्यान रखना है, जब आप जॉब पर बैठे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, एक्सेप्ट करेगा डिनाई करेगा, ठीक है, आपको इसका ख्याल रखना, ठीक है, ना तो जो है आपका लेक्चर नंबर वन खत्म हो गया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कभी बता सकते हैं, अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लेक्चर नंबर टू में जब तक अल्लाह हाफिज़।